नमस्कार, आप जे रहो नेशन प्लस न्यूज, हूँ छु अपनी साथ हेतल भगत। वडोदराना अटलादरा विस्तार में दीप्स पार्टी प्लॉट खाते छ कन्याओं दिव्य समर्पण समारोह नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। विश्व सेवा माटे समर्पित आवी आदर्श कन्याओं की स्मृति भारत में कन्याओं ने देवी तरीके परंपरागत रीते पूजवानी मान्यता नो आधार स्तंभ छे। आ बहनों तन अने मन सहित भगवान ने पोतानो सर्वस्व अर्पण करीने जीवनना उच्च मूल्य साथे पोताने अने समाजने सुंदर बनावाना आदर्श तथा दिव्य मार्ग पर आगळ वधी रही छे। आ पवित्र कन्याओं ने आ सोनेरी क्षणों अविस्मरणीय अने यादगार बनावा जई रही छे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयना अटलादरा सेवा केन्द्र द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम नु आयोजन करायो हतो, जेमां छ पवित्र कन्याओ प्रभु परमात्मा ने पोतानुं जीवन समर्पित करवा जई रही छे। आ प्रसंग में ब्रह्मकुमारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय बी के डॉक्टर जयंती दीदी खास दिव्य उपस्थित रहा था। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटलादरा सेवा केन्द्र द्वारा आज दिव्य समर्पण समारोह कार्यक्रम आयोजन करवामां आवेल छे। अने आ कार्यक्रम में छ कन्याओं प्रभु समर्पण कार्यक्रम रहेशे, जेमां ते छ कन्याओं छेल्ला घणा वर्षथी ब्रह्मकुमारी संस्थामां पोतानी ट्रेनिंग लई रह्या हता अने आजनो दिवस एमने विधिपूर्वक प्रभुने समर्पण करवानो दिवस छे। तो ए कार्यक्रममां आजे एमना माता पिता संबंधीओ दरेकने आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। ए सर्वे पधारवाना छे अने सर्वनी संमतिथी दीकरीओने प्रभु समर्पण करशे। अने आ कार्यक्रममां लगभग 5,000 जेटला भाई बहेनो पूरा वडोदरा अने एनी आसपासथी पधारवाना छे। अने कार्यक्रम विशेष लक्ष्य ए छे कि आ कन्याओ कि जेओ प्रभुने समर्पित थवा जई रही छे, ए जीवनने प्रभुने समर्पित करी अने प्रभु द्वारा जे शीखवाड़वामां आवेल आध्यात्मिक ज्ञान अने राजयोगनो प्रसार अने प्रचार द्वारा अनेक आत्माओना जीवनने श्रेष्ठ बनावे एवी शुभ भावना अने श्रेष्ठ भावना साथे आ समर्पणनो कार्यक्रम आयोजित करेल छे। ओम शांति। ये जो कार्यक्रम रखा गया है आज शाम के लिए, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी उसके द्वारा रखा गया है, जिसमें कि जो अपनी 6 कुमारियां हैं जो कुछ समय से यहाँ रह के सेवाएं कर ही रही है, परंतु अभी उन्होंने ये अपने जीवन के लिए फैसला किया है कि ऐसे ही उनको शिव परमात्मा को अपना साजन बना करके ऑफिशियली, जैसे कि एक स्टैम्प लगती है ऐसे करके, अपने माँ बाप मित्र संबंधियों को भी बुलाया है उन्होंने, ताकि उनकी स्वीकृति से खुशी से यह सारा कार्य हो रहा। उन्होंने अपनी खुशी से अपनी कन्याओं को कन्यादान करके परमात्मा के कार्य के लिए उनको अर्पण किया है, क्योंकि जानते हैं कि आज के समय विश्व में अशांति बहुत है, तनाव बहुत है, और ये कुमारियाँ जो सेवा करेंगी अपने योग तपस्या द्वारा और साथ साथ अनेक आत्माओं को राजयोग की राह दिखाकर कि कैसे वो भी अपना घर गृहस्थ में रहते भी अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाकर अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ ऊंचा बनाकर रह सके। रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज वडोदरा। समाचारों ना सतत अपडेट माटे नेशन प्लस न्यूज ना यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ अने फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक अने ट्विटर पर।